Hello, this is Smita Ivy and you're watching Smith Boost. As you all know, it took a while for me to upload a good video and today is the perfect day I have selected, the 72nd Republic Day celebration. हमेशा की तरह एक motivational video ही है और आपकी सैर मैं ऐसी जगह पे कराने जा रही हूँ जो कि देशभक्ति से जुड़ी हुई जज्बातें और जुनून से भरा हो और एक ऐसी व्यक्ति से परिचय कराऊंगी जो कि देश की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े लोगों को अच्छी तरह ग्रूम करने में सहायता करता है। So ladies and gentlemen, we are in Recruits Training Center Perigon, which is one of the best training centers of CRPF and which has been awarded with the best institution trophy of CRPF and the home minister's trophy. सीमा जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी CRPF की यात्रा किस प्रकार और कब शुरू हुई? जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद एक जॉब की तलाश थी और मुझे यूनिफॉर्म सर्विस का बहुत क्रेज था, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, पुलिस हो गए, लेकिन डॉक्टर वकील बनने के लिए पैसे की ज़रूरत है जो कि मेरा घर का आर्थिक परिस्थिति मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा। फिर मैं सोचा क्यों ना हम एक पुलिस विभाग में भर्ती हो जाए। इस कारण मैं 2002 में CRPF जो कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है मैंने उसमें भर्ती हुई, क्योंकि इसमें भर्ती होने के लिए ना कोई पैसा की ज़रूरत है, सिर्फ एक नागरिक के अंदर सच्चा देशभक्ति और भावनाएं की ज़रूरत है। इस कारण मैं 2002 में भर्ती हुई। जैसे कि प्रतिमा जी ने कहा कि CRPF में भर्ती होने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, एक सच्ची देश भावना और जुनून की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें कोई चैलेंजेस नहीं होगा। तो प्रतिमा जी, आप क्या बताएंगे कि इस नौकरी में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? हर जगह चैलेंजेस है, इसी प्रकार इस नौकरी में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर, लेकिन इस चैलेंजेस को अच्छे से सामना करके हमारे इस बल के महिलाएं अपना ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। जैसे देश का अति संवेदनशील क्षेत्र हो गया J&K, छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट, उसमें भी अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। इस देश के अंतर्गत ही नहीं, देश के बाहर भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर में भी अपना अच्छा कार्य प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा इस बल की महिलाओं का एक बाइक टीम बनाया गया है जो कि दिल्ली का राजपथ पर अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है। हाँ, चैलेंज बोला जाए तो आज मेरा ओपिनियन के हिसाब से एक हम वर्दीधारी के नाते एक नारी भी है और नारी का अलग एक रूप एक माँ है। तो जब माँ अपना बच्चे को छोड़ के ड्यूटी पर जाता है तकलीफ होता है, बट उससे भी हम ना परवाह करते हुए हम अपने ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाते हैं। There's no doubt that the Mahila Corps are doing a wonderful job in and outside the nation, which is the greatest achievement for the country. जी हाँ, चाहे आंतरिक सुरक्षा में हो या यूनाइटेड नेशंस मिशन इन लाइबेरिया में हो या बाइक टीम के डेमोंस्ट्रेशन के एक हिस्सा हो, हमारी CRPF के महिलाओं का योगदान हमेशा ही सराहनीय रहा है। प्रतिमा जी, आप CRPF के एक अच्छे ट्रेनर हैं, किसी भी व्यक्ति को बल के अच्छा सदस्य बनाने के लिए आपका क्या योगदान रहता है? एक ट्रेनर होने के नाते डिसिप्लिन के साथ साथ पुलिस की ड्यूटियाँ, यूनिफॉर्म पहनना, पेशेंस, विभिन्न प्रकार के वेपन का हैंडलिंग के बारे में सख्ती से सिखलाई देते हैं। सख्त जरूर रहते हैं लेकिन उनका जज्बात का भी ख्याल रखते हैं। प्रतिमा जी, मैंने अपने वीडियो के जरिए हमेशा सभी को मोटिवेट करने की कोशिश की है। आज इस रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो CRPF में शामिल होने की इच्छुक हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इस देश का सेवा करना चाहते हैं वो अपना कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं।